हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और वेलकम टू माय ब्लॉग, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं नहा ली हूँ और देखो मैं नहा चुकी हूँ क्योंकि गर्मी बहुत लग रही थी। वैसे तो रात को बारिश आई थी हमारे यहाँ पर। फ्रेंड्स, वैसे तो हमारे यहाँ रात को बारिश आई थी पर फिर भी अभी सुबह इतनी गर्मी हो रही थी, मैंने उठते ही नहाई है। और फ्रेंड्स, बहुत मैं पार्लर में आई थी पानी चेक करने के लिए, तो मुझे आवाज़ से पता चल गया आ रहा है। और फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही थी और मुझे नहाना था। और अब मैं चाय बना रही हूँ। चाय बनाने के बाद हम बनाएंगे रोटी वगैरह। और आज सफाई करनी है। आंधी आई थी रात को, काफ़ी सफाई की है मैंने घर की। अभी यहाँ से भी सफाई करूँगी, सारा काउंटर वगैरह शीशे वगैरह भी साफ करना है। और नीचे रखा है मैंने ये सामान, वो तो मुझे इस काउंटर पे रखना है। और चाय बन रही है फ्रेंड्स, तो मैंने सोचा आज ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ जल्दी। किचन में आ चुकी हूँ, बैक कैमरा करके दिखाती हूँ आपको। चाय खुल रही है, इसमें अब दूध डालेंगे हम। ये देखो फ्रेंड्स, चाय में दूध डाल दिया है, अभी उखलेगी। उखलने के बाद मेरे हस्बैंड उठाऊंगी, उनको परी को उठाऊंगी। और फ्रेंड्स, नाक में इसलिए नहीं पहने, आपको पता है सबको, मुझे जुकाम कब से हुआ है, 5-7 दिन हो गए, तबीयत ठीक नहीं थी उससे पहले। तो अभी मैं थोड़ी देर पहन लूँगी, अब फिर भी बेटर फील कर रही हूँ। और आप सोच रहे हो कि नींद आ रही है। फ्रेंड्स, अभी बजे 6:30 है, मतलब मैं उठ तो गई थी, नहाई धोई, फिर 6:30 बज चुकी है। अभी मैंने पानी के लिए बहुत सी देर इंतज़ार किया, उसके बाद मैं नहाने के लिए गई। और 6:30 बज चुकी है, ये पीछे से आवाज़ आती रहती है हमारे, यानी बकरा बकरी बांधे हुए हैं दूसरों के, वही आवाज़ आती है। तो फ्रेंड्स, चाय पीने के बाद देखते हैं क्या करते हैं, और बस चीज़ आपके साथ शेयर करते हैं। तो बने रही है इस वीडियो में। अब मैं सोच रही हूँ फटाफट काम करके कुछ ड्रेसिंग सिल, मतलब फ्रॉक सिलने का सोचा है, तो फटाफट काम कर लेते हैं, फिर आपसे सारा काम करने के बाद मिलेंगे। क्योंकि फ्रेंड्स, यहाँ की पता नहीं सफाई करूँगी नहीं करूँगी, क्योंकि अभी मौसम ख़राब हो रहा है, तो वापस ज़्यादा हो जाता है, रोज़ ना करनी पड़ती है। यहाँ से सफाई करूँगी, घर की सफाई करूँगी। कपड़े भी 2-3 दिन के हो चुके हैं, तबीयत के कारण मैंने सिले नहीं थे। तो फ्रेंड्स, हम कोई आया है तो मैं आपसे सफाई वफाई करने के बाद मिलती हूँ। ओके, मिलते थोड़ी देर बाद। फ्रेंड्स, अब बजी है 6:30, तो 6:30 बजकर मैंने सुबह सारा काम कर लिया था, मतलब 3-3:30 बजे फ्री हुई, फिर खाना वाना खाया, तो 4 बज गई। 1 से 1.5 घंटा रेस्ट किया, फिर चाय पानी पी, वो सब आपके साथ शेयर नहीं किया। और मैं अब कर रही हूँ आलिया फ्रॉक की कटिंग, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो बने रहिए इस वीडियो में, व्लॉग में। तो बैक कैमरा करके दिखाती हूँ आपको, शायद ब्लैक है तो निशान अच्छे से नज़र नहीं आ रहे होंगे, मैं बैक कैमरा करके दिखाती हूँ। ये देखो, ये फ्रेंड्स, ये रेड कलर के निशान लगाए हुए हैं ना मैंने, ये रे, ये मुझे ही नहीं दिखाई दे रहा, आपको तो कैसे दिखते दूर से। तो हम इसकी कटिंग कर लेते हैं, आपको सिर्फ कटिंग दिखा दूँगी मैं। मार्जिन तो मेरे नाप का ही है, आप अपने हिसाब से ले सकते हो, फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ। यहाँ से यहाँ तक मैंने 6.5 लिया है, यहाँ से मैंने 6.5 लिया है, और यहाँ से भी मैंने 6.5, फिर 6.5, और ये पूरी लंबाई है मेरी 15 इंच की, और मार्जिन है मेरा फ्रेंड्स यहाँ से 9.5, यहाँ से 8.5। अब मैं कटिंग कर लेती हूँ आपको, क्योंकि निशान दिख नहीं रहा है। यहाँ से ऐसे जाएगा, फिर ऐसे, फिर मैं एक्स्ट्रा कपड़ा काट रही हूँ। फ्रेंड्स, कॉटन का कपड़ा है तो मैं मार्जिन थोड़ा ज़्यादा ही ले रही हूँ, धोने के बाद सुकड़े करें। आपको भी हमेशा मार्जिन ज़्यादा ही लेना चाहिए।
स्केचिंग थोड़ी सी खराब है फ्रेंड्स। मैं इनको दो भागों में डिवाइड कर रही हूँ। ये मैं पिछला हिस्सा इसका हटा दिया, बंद करते हैं। यहाँ से हम 5 इंच पर निशान लगा रहे हैं, देखो। और अब इस निशान को हम यहाँ मिक्स मिला देंगे फ्रेंड्स। फ्रेंड्स यहाँ से मैंने 5 इंच की निशान लगा लिया है, और अब यहाँ से इस निशान को हम इस कोने पर मिला देंगे। आप स्ट्रेट लाइन खींच लेना, मुझे तो अंदाज रहता है फ्रेंड्स। और इसको हम काट लेते हैं। आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो मैं एक सेकंड आपको दिखा देती हूँ। इसकी कटिंग ऐसे होगी फ्रेंड्स। अच्छे से लाइनिंग बना लो। ये देखो मैंने लाइनिंग बना ली है। अब आपको दिख रहा होगा पास में, ये आपको दिख रही होगी लाइनिंग स्टेड। तो अच्छे से कटिंग कर लेंगे फ्रेंड्स। ये देखो फ्रेंड्स कितने अच्छे से कटिंग हुई है। हाय ऐसे करियो कटिंग फ्रेंड्स। ये मैंने 6 इंच पे निशान लगा लिया है नेक का, और यहाँ से ले रहे हैं हम 3 इंच बचे हैं हमारे पास। यहाँ से हम फ्रेंड्स 2.5 इंच लेंगे, ज़्यादा बड़ा नेक हो जाएगा। यहाँ से मैंने लिया है 2.5 इंच, मुझे दिख रहा है आपको शायद एक प्रॉपर निशान नहीं दिख रहा होगा। नीचे से भी लेंगे हम 2.5 इंच। लाइन ड्रॉ कर ली है मैंने। मैं लूंगी फ्रेंड्स वी शेप। फ्रेंड्स ये मैंने भी सब काट लिया है। ये देखो फ्रेंड्स ये सब कटिंग हो चुकी है, और इसका लुक ऐसा आया है। बंद कर दिया कर जाने। सात इंच 2.5 इंच 2.5 इंच राउंड शेप। फ्रेंड्स ये फ्रंट का भाग है, और फ्रंट का भाग हमने 5 इंच एक्स्ट्रा लिया है। बैक भाग, बैक के पार्ट से अभी दिखाऊंगी मैं आपको। तो फ्रेंड्स
ये जो 5 इंच एक्स्ट्रा लिया था वो मैं यहाँ से तिरछा निशान लगा रही हूँ, यहाँ से 5 इंच ले लिया है मैंने। 5 इंच से स्ट्रेट लाइन खींच के इसकी कटिंग करेंगे। तो मैं अभी आपको दिखा, फ्रेंड्स देखो कटिंग कर दिया। ये देखो फ्रेंड्स यहाँ से, और यहाँ से जो हमने ये बीच का पार्ट रखा है ना, तो हम इसमें ऐसे चुन्नट डालेंगे, इधर से ऐसे चुन्नट डालेंगे। और ये बैक भाग भी दिखाती हूँ, ये फ्रंट का हिस्सा है, बैक का हिस्सा दिखाती हूँ आपको। फ्रेंड्स ये पैंट की कटिंग हो रही है, तो मैं सिंपल सी पैंट सिल रही हूँ। बाद में मैं फिटिंग के हिसाब से कटिंग कर लूँगी। फ्रेंड्स ये सूती का कपड़ा है, इसलिए मैं बहुत एक्स्ट्रा मार्जिन ले रही हूँ। फ्रेंड्स कटिंग कर ली है हमने, और ये ब्लॉग में कटिंग अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। स्टिचिंग की वीडियो नहीं शूट करूँगी, क्योंकि इतना स्टिचिंग की वीडियो शूट करने के लिए मोबाइल पकड़ना बहुत ज़रूरी होता है, और वो पॉसिबल है नहीं फ्रेंड्स। तो मैं आपको डायरेक्ट स्टिच करके बताऊँगी। और अब मैंने इरादा चेंज कर दिया है, मैंने आपको कटिंग तो बताई थी आलिया कट की, पर मैं कुर्ती ही सिलूंगी सिंपल, उसी को सही करके कुर्ती सिल दूंगी। तो पूरी लुक आपके साथ शेयर करूंगी, पूरा मतलब पैंट और कुर्ती सिलकर वो लुक आपके साथ शेयर करूंगी, पर स्टिचिंग वाला शेयर नहीं करूंगी फ्रेंड्स। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, ढेर सारा प्यार देना चैनल को। तो बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट।